हेलो फ्रेंड्स, आई होप आज के पेपर्स आपके अच्छे गए होंगे। डैट इज मार्केटिंग है, एचआरएम का काफ़ी सिंपल पेपर था। जो क्वेश्चन दिया था सब वही आए थे और कल के दिन मैंने पूरी रिवीजन कराई थी आपको। ठीक है गाइस, आई होप यस। चलिए अब हम आगे बढ़ते, डैट इज जीएससी की बात कर रहे गाइस। जीएससी सिलेबस में एकदम नया है, tybcom जीएससी। इनफैक्ट बाकी लेवल के बच्चों भी रिफ़र कर सकते, कोई इशू नहीं है। चलिए तो जीएससी नया एकदम, थोड़ा प्लानिंग करके प्रिपरेशन करो। देखो गाइस, पहली बार तो थ्योरी टॉपिक जो है सबसे बड़ा तकलीफ बच्चों को थ्योरी में जीएससी की, तो जीएससी की थ्योरी लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, 4-5 वीडियो होगा, देख लेना। उसके बाद प्रैक्टिकल सम कहाँ से आने के चांसेस है। देखो, एक सम प्रैक्टिकल आने का चांसेस, एक सम आएगा 15 मार्क का, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल करके। दूसरा एक 15 मार्क का सम आने का चांसेस है इनपुट या पेमेंट ऑफ टैक्स करके, वो एक 15 मार्क का सम आएगा। और इंटरनल ऑप्शन होगा, जैसे टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सम है, उसके इंटरनल में और एक सम आएगा। ठीक है, सेम सम आएगा। उसके बाद पेमेंट का भी सेम सम आने का चांसेस है, देख लेना। उसके बाद 7-7 मार्क के, आप जितने चैप्टर्स हैं सब 7-8 मार्क के सम बनेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको सिंपल रजिस्ट्रेशन के ऊपर 7 मार्क का सम बनेगा, आपको कंपोजिशन स्कीम के ऊपर 7 मार्क का सम बन सकता है, मिक्स एंड कंपोजिट सप्लाई के ऊपर 7 मार्क का सम बन सकता है आपको। लाइक जो भी चैप्टर्स है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, 7-7 मार्क एक चैप्टर्स पक्का आने का चांसेस है। तो ये सब देख लीजिएगा, ये सब 7-7 मार्क के चैप्टर्स है। और तो मैंने ना पेपर पैटर्न कैसा होगा, मैंने इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड की है, आप वो देख लीजिएगा। पेपर पैटर्न कैसा होगा वो एक देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स भी पक्का है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया गाइस, वेरी क्लियर है इतना। अब मैं ट्राई करूँगा सब चैप्टर्स के ऊपर एक एक प्रैक्टिकल सम अपलोड करने का, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, आप उसको देख लीजिएगा, आपके कवर हो जाएंगे। आई होप आपको समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो प्रॉपरली स्टडी कीजिए सब, हर एक एक टाइप के सम देख लेना। थोड़ा टाइम लगेगा, रात तक आएंगे, बट जितने हैं वो देखते रहना। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके टीचर ने कराएगा, बेस्ट किया रहेगा, आप उसको पढ़ो। बट एक बार पेपर पैटर्न देख लेना कैसा आने का चांसेस है, कौन से कॉम्बिनेशन में कौन सा सम आ सकता है, मैंने एक वीडियो बना के डाला, वो देख लेना। ठीक है गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।